बुरहानपुर के झिरी के पास असीरगढ़ के पूर्व सरपंच मोहम्मद इकबाल पर एक दर्जन से अधिक लोगों ने हमला कर दिया। हमला पुरानी रंजिश को लेकर किया गया है। हमले के चलते पूर्व सरपंच इकबाल बाल बाल बचकर थाने पहुंचा। पूर्व सरपंच की शिकायत पर खंडवासी लेके बोरगांव में कुख्यात बदमाश कदीर पटेल सहित एक दर्जन लोगों पर मारपीट बलवा का केस दर्ज किया गया है। निम्बोला थाना क्षेत्र के इंदौर स्टेट हाईवे के झिरी के पास देर रात घटना है। आरोपियों द्वारा पूर्व सरपंच को रोककर हमला कर दिया था, लेकिन पूर्व सरपंच इकबाल इस हमले में बाल बाल बच गए। निम्बोला पुलिस ने कुख्यात बदमाश कदीर पटेल सहित एक दर्जन लोगों पर मारपीट बलवा का केस दर्ज कर लिया है। मेरे साथ में एक घटनाक्रम ये हुआ कि मैं बुरहानपुर से घर की ओर निकला था, तो साजिद नाम के लड़के ने मेरे को फोन करा कि चाचा मेरे पीछे वही दो 10-15 लोग एक लड़के लगे मारने के लिए। तो मैं समझा कि वही अपने गांव के बच्चे, तो मैं दोनों को समझा दूंगा। इनके मतलब 4-5 दिन पहले दोनों का मतलब आपसी विवाद हुआ था, तो कोर्ट पर केस बना था। तो मैंने बोला अपने क्या बोलते हैं तू आ जा, मैं क्या मेरे फिर मेरे साथ चलना। तभी झिरी मतलब आगे पहुँच गया, तभी मैं वापसी झिरी आया, पंडित की दुकान पर बैठा, फिर वो ये बच्चे आए, ये बच्चों को लेके मैं क्या चलो भाई मेरे साथ में चलना। तो मैं गया यहाँ से, तो झांझर के पास में एक पिकअप गाड़ी जो गौवंश की तस्करी करते हैं, वो वहाँ से 15-16 लोग निकले और अपने क्या बोलते बोले साजिद और ऋषभ कहाँ है वो। तो मैंने बोला मामला क्या है, इनका काय को झगड़ रहा मिलना बस। वो फिर मैं थोड़ा गाड़ी लेके ना झांझर से डेम के आगे निकल गया, वहाँ गया तो उन्होंने मारा पीटी चालू कर दी। कितने लोग थे वो? करीब करीब 15-16 लोग थे। कितने लोगों को चोटें आई? 5 लोग। कितनी देर का संघर्ष चला? संघर्ष चला 15 मिनट। कितने मुख्य आरोपी कौन था इसमें? मुख्य आरोपी कदीर है अपने राजोरा का। राजोरा क्या करता है? राजोरा गोवंश की तस्करी करता है। राजोरा राजोरा वहाँ का रहना। उद्देश्य क्या था इनका? उद्देश्य लूटपाट का उद्देश्य था, मोबाइल वोबाइल। इसमें पहले भी कोई मामले दर्ज है? मामला रात में दर्ज कराया। क्या क्या छीन लिया आप लोगों ने? मेरे बच्चे को और हमारा दोनों को मोबाइल छीन लिया। फिर नकदी वकदी भी चोरी की? तो क्या कारण हो सकते ऐसा करने के पीछे? वो उनका दोनों का विवाद था। अच्छा। मैं बीच में मतलब समझाने के लिए के हिसाब से मैं समझा दूंगा, तो उन्होंने मेरे से भी मारा। किस बात को लेकर विवाद हुआ था उनका? वो गांव में ही मतलब दोनों बच्चों गांव गांव का विवाद था। अच्छा। वो पिछली बार का जो विवाद था कदीर वाला, हाँ। तो वो कदीर गांव वालों को गाली बकरा था। अच्छा। तो गांव वालों ने उसको एक आध दो फड़ाके भी मार दिए हुई के ऐसा। तो वो समझ रहा था कि जो दो लड़के साथ में थे साजिद और यूसुफ, इनको ढूंढ रहा था मारने के लिए। कौन है ये कदीर, क्या करता है ये? बेलों की गाड़ी चलाता है। यहाँ बुरहानपुर में बताते आते रहता है? बुरहानपुर भी आते रहता है। इसका वीडियो भी वायरल है कि वीडियो वायरल है और बंदूकें सब 2 नंबर की बंदूकें हैं, फोटोग्राफ्स। आपने शिकायत करी? शिकायत नहीं बोला मैंने करी। क्या चाहते मेरा? कार्रवाई चाहते। क्या नाम आपका? एक बार घटनाक्रम हुआ और उस पर क्या पुलिस ने मामला दर्ज किया, क्या कार्रवाई कर रही है? सिरगढ़ जिला बुरहानपुर के पूर्व सरपंच इकबाल और उनके भतीजों के साथ कुछ व्यक्तियों द्वारा मारपीट करने की सूचना प्राप्त हुई, जिस पर से पुलिस घटनास्थल पर पहुंची है और 10-12 लोगों के खिलाफ धारा 147, 148, 149, धारा 327 और 323, 294, 506 IPC के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। क्या कोई मेन नाम था तो पहचान हुई? ये कोई कदीर कादिर पिता नासिर पटेल निवासी राजोरा का इसमें नाम बताया गया है। इनके साथ अन्य 10-12 लोग और थे जिनकी पहचान की जा रही है। सर जिन्होंने वारदात को अंजाम दिया उनके खिलाफ अभी कोई आपराधिक रिकॉर्ड है? ये कादिर के खिलाफ कुछ अपराध पूर्ण के गोवंश प्रतिशत अधिनियम के पंजीबद्ध हुआ जानकारी प्राप्त हो रही है, उसके पूरा जानकारी प्राप्त की जा रही है। क्या लूटने का मकसद था? ये प्रथम दृष्टया इस तरह का बताया कि पूर्व में कुछ इनके बीच में कुछ विवाद था, इसलिए प्रथम दृष्टया लूट संबंधी कोई घटना तो नहीं पाई जा रही है और विवेचना में जो भी तथ्य आएंगे उसके आधार पर और अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।